प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिकित्सीय सलाह दी है। मौका था आयुष्मान योजना के उद्घाटन का। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से हरियाणा के 10 आयुष हेल्थ सेंटर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर वो सीएम मनोहर लाल को इलाज कराने की सलाह देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें आयुष केंद्र में जाकर अपने गले का इलाज करवाना चाहिए। आज हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया है और इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल हरियाणा के गांवों में यात्रा चल रही है उनकी, और लगातार वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं और उसका परिणाम मैं देख रहा था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज खराब हो गई। चुनाव के दिनों में मुझे भी इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक रहस्य मैं बता दूं, योग प्राणायाम और आयुर्वेद ये तीनों का मैं भरपूर उपयोग करता हूं और उसी के कारण मेरी गाड़ी चल जाती है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने आयुष्मान योजना की तारीफ करते हुए उसके बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ आयुष विभाग के अंतर्गत बहुत से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज को हमने एक यूनिवर्सिटी के रूप में, एक आयुष यूनिवर्सिटी ये बनाई जाए, तो उस ओर हमने कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे ही केंद्र सरकार की सहायता से पंचकुला में माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 25 एकड़ जमीन पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंसेज, इसका शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ऐसे आयुष के माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम जो है इस शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाएं। सरकार जनहित में तरह तरह की योजनाएं चला रही है और स्वास्थ्य पर सरकार का विशेष ध्यान भी है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने फिट इंडिया के बाद अब आयुष सेंटर की शुरुआत की है। R9 TV के लिए चंडीगढ़ से रमेश सिंह की रिपोर्ट।